जो लास्ट क्लास जो है डायपोल का, हम लोग इसको आज खत्म करते हैं। मैंने तुमको नोट शेयर किया था, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें नहीं थी। हम लास्ट क्लास में जब क्लास खत्म किए थे तो हम ये चीज बता रहे थे कि मान लो कोई डायपोल है जो कि इस तरह रखा हुआ है, यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू, बहुत छोटा डायपोल है, ये डायग्राम बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं क्लैरिटी के लिए, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, समझे। ये जो डायपोल है वो अलाइंड है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड था। तो होगा क्या कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स है, समझो, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स है और इस पॉइंट पे फील्ड ई है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स प्लस डी एक्स है और यहां फील्ड है ई प्लस डी, ई प्लस डी है, ठीक है। तो इस केस में ये तो चूंकि वन डायमेंशनल फील्ड है, इसको वेक्टर साइन निकाल दो, ई प्लस डी है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना आएगा पूरे डायपोल के ऊपर, एफ नेट वुड बिकम इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई प्लस प्लस क्यू इंटू ई प्लस डी। तो तुम देख सकते हो ये और ये कट जाएगा, आएगा कितना क्यू इंटू डी, बट क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर जो था इसका, जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है वो क्या हो जाएगा q इंटू डी एक्स, क्योंकि इन दोनों बीच का डिस्टेंस है dx। तो इसका मतलब इन मैग्नीट्यूड q का वैल्यू कितना हो जाएगा p बाई डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं q के बदले p बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ ई डी, यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू p इंटू डी बाई डी एक्स, फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू डी बाई डी एक्स। सो अगर कोई डायपोल एक ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जो वेरी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, फील्ड का डायरेक्शन एक्स में है और डायपोल उसके साथ अलाइन किया हुआ है, तो उसमें जो डिफरेंस इन द फोर्सेस, डिफरेंस इन द फील्ड जो होता है ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड, वो डिटरमाइन करता है फोर्स कितना होगा, डी बाई डी एक्स होता है। डी बाई डी एक्स को बोलते हैं फील्ड ग्रेडियंट, डी बाई डी एक्स को बोलेंगे फील्ड ग्रेडियंट। सो क्या बोलेंगे, फील्ड ग्रेडियंट, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ फील्ड, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अब समझो अगर ये चीज पॉजिटिव आ रहा है, फिजिक्स में याद रखना पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव और नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये पॉजिटिव कब होगा, ये रिपल्सिव कब होगा, जब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। अगर फील्ड डिस्टेंस के साथ इंक्रीज कर रहा है, समझो अगर फील्ड एक्स के कंपैरिजन में एक्स प्लस डी एक्स पे फील्ड बढ़ गया, अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, यानी रिपल्सिव फोर्स होगा, होना भी चाहिए क्योंकि यहां फोर्स ज्यादा होगा प्लस क्यू पे। अगर डी बाई डी एक्स नेगेटिव है, यानी फील्ड घट रहा है, अगर डी बाई डी एक्स नेगेटिव है, क्योंकि पी तो पॉजिटिव है ही, ये अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि उस केस में यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स क्या लगा था, यहां फोर्स लगा था लेफ्ट, यहां लगा था राइट। तो अगर फील्ड बढ़ रहा है तो राइट वर्ड फोर्स ज्यादा होगा, और फील्ड घट रहा है तो लेफ्ट वर्ड फोर्स ज्यादा होगा, अपने आप तुम्हारा प्लस और माइनस साइन चलाएगा, ठीक है। अब समझो अगर ऐसा ना हो, अगर थ्री डायमेंशन का केस हो तो क्या करेंगे, अगर थ्री डायमेंशन का केस हो तो क्या करेंगे, एक हायर कंसेप्ट होता है उसको बोलते हैं कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टोक्स लॉ, एंड उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टोक्स लॉ, और हम बोलते हैं उसको कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग का उसमें है नहीं, तो हम उसके बिना इसको बताने का कोशिश कर रहे हैं। या किसी को डाउट, अब देखो अगर थ्री डायमेंशनल फील्ड होगा तो क्या होगा, फॉर थ्री डायमेंशनल फील्ड मान लो कि फील्ड जो है, मान लो फील्ड इस तरह से क्या है, ये ऐसे है, ई एक्स इधर है कंपोनेंट, ई वाई इधर है,
और ई जेड इधर है, और जो डायपोल है इस तरह से रखा हुआ है स्पेस में कि वो भी किसी एक एक्सिस पे नहीं है, उसका भी तीन कंपोनेंट ब्रेक किया जा सकता है। डायपोल का तीन कंपोनेंट है, कौन सा? एक है ई एक्स, दूसरा है ई वाई, सॉरी एक है पी एक्स, डायपोल का कंपोनेंट पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डायपोल स्पेस में इस तरह से रखा हुआ है कि डायपोल का भी तीन कंपोनेंट। अब ये बताओ अगर हम x में मूव करेंगे, सिर्फ x, इफ वी मूव ओनली फ्रॉम x टू x प्लस dx, अगर हम yz प्लेन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। देखो अगर हम किसी पॉइंट पे, अगर हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, कहां से कहां मूव कर रहे हैं, मान लो हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, इफ वी मूव अलोंग x एक्सिस, मीन्स y एंड z coordinates are constant, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सिर्फ x coordinate को change करेंगे तो इसका मतलब है कि ey and ez सेम रहेगा, क्योंकि ey और ez y axis और z axis में change हो रहा है, but चूंकि हमने y coordinate और z coordinate को change नहीं किया है, ey और इजेड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब सिर्फ क्या बदलेगा? ई एक्स बदलेगा। तो समझो इस कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पे जो फील्ड यहां है वाई का, वही फील्ड यहां है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। जेड में बिकॉज जेड कोऑर्डिनेट नहीं बदला, तो जो फील्ड यहां है माइनस पे वही प्लस पे है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक्स में जो फील्ड माइनस और प्लस पे वो अलग अलग है, तो वहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कितना? वो लगेगा एफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू डी बाई डी एक्स, पी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, पी का एक्स कंपोनेंट इंटू डी बाई डी एक्स। सिमिलरली एफ वाई हो जाएगा, सिमिलरली और सिर्फ वाई में चलेंगे, एफ वाई हो जाएगा पी का वाई कंपोनेंट इंटू डी बाई डी वाई। और f का z कंपोनेंट होगा पी जेड इंटू डी बाई डी जेड। तुम लिख सकते हो f वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी का x कंपोनेंट, सॉरी ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, डी का x कंपोनेंट बाय डी एक्स आई कैप, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस पी वाई इंटू डी ई वाई बाय डी वाई जे कैप, प्लस पी जेड इंटू डी ई जेड बाय डी वाई इंटू के कैप। समझे? डी जेड होगा ना, पी जेड बाय डी जेड, डी जेड। ठीक है ठीक है। सो समझो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई कंपोनेंट इस तरह से है कि लेट इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? और पी दिया हुआ है मान लो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये किसमें है? न्यूटन पर कूलम, और ये किस में है? कूलम मीटर, ऐसा यूनिट में है। तो पी एक्स की जगह क्या रखोगे? टू, पी एक्स की जगह टू, डी ई एक्स बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, कितना हो जाएगा? टू एक्स। यहां बताओ थ्री इंटू डी वाई बाई डी वाई वन, दिस इंटू दिस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोर जीरो। अगर तीनों कॉन्स्टेंट होता, सपोज ये भी कॉन्स्टेंट होता, ये होता एक्स स्क्वायर नहीं होता, सिक्स I कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो जीरो होता फोर्स, क्योंकि अगर x कंपोनेंट कांस्टेंट है, y कंपोनेंट भी कांस्टेंट है और z कंपोनेंट भी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बिकॉज उस केस में फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे हमेशा नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। इसको याद कर लेना, इसको इस एक्सप्रेशन को याद रखना सिर्फ एडवांस के लिए,
मेंस में तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं दो डायपोल के बीच का फोर्स या टॉर्क, ठीक है। उसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करके उसको डिराइव करेंगे, फिर तुमको कुछ सोर्सेज बताएंगे, कहां दो क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में डायपोल स्टार्ट, हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखो, अच्छा एक और चीज बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल। हाँ देखो, फोर्स एंड टॉर्क बिटवीन टू डायपोल्स, फोर्स एंड टॉर्क बिटवीन टू डायपोल्स, इसका दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड है फोर्स मेथड और एक मेथड है एनर्जी मेथड। याद रखना, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, और टॉर्क होता है माइनस डी यू बाई डी थीटा। फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और टॉर्क होता है माइनस डी यू बाई डी थीटा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ मीन्स ग्रेडियंट नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद एंगल इज कॉल्ड टॉर्क। ये सब रोटेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हम पहला केस ले रहे हैं, ये एक डायपोल है और ये एक दूसरा डायपोल है। डायग्राम नॉट टू द स्केल है, ये पी वन वेक्टर है और ये पी टू वेक्टर है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आर, जो कि बहुत बड़ा है कंपेयर टू साइज ऑफ द डायपोल, कंपेयर टू साइज ऑफ दिस डायपोल दिस आर इज वेरी लार्ज। आपको बताना है इन दोनों में फोर्स कितना होगा। तुम समझ सकते हो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, इसके लिए तुम ये समझ सकते हो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो बताओ, नॉर्थ और साउथ नजदीक अट्रैक्शन होना चाहिए, होना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स। देखो होगा, फोर्स नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फोर्स बताएगा अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव आएगा तो हो जाएगा रिपल्सिव। इसका दो मेथड हमारे पास है। पहला मेथड है एनर्जी मेथड, इसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो है पी टू किसमें रखा हुआ है, फील्ड ऑफ पहले दोनों बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यू हम जानते हैं होता है माइनस पी डॉट ई। अगर आप किसी डायपोल को, अगर किसी डायपोल पी को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड ई में डाल दें, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है माइनस पी डॉट ई। ये हम देखे थे माइनस पी कॉस थीटा। हम कह रहे हैं कि ये पी टू जो है, हम कह रहे हैं लेट पी टू एज्यूम दैट P2 is placed in field of P1. P1 के फील्ड में P2 रखा हुआ, या ये भी कह सकते हैं P2 के फील्ड में, तो याद रखना ये होगा P2 into E1, या इसको ये भी लिख सकते हैं समझो माइनस P1 into E2। या तो तुम ये एज्यूम करो कि फील्ड किसने क्रिएट किया, वन ने, वन के क्रिएट किए हुए फील्ड में P2 को डाल दिए, या 2 के क्रिएट किए हुए फील्ड में P1 को डाल दिए। मतलब पहले P2 नहीं था, सिर्फ P1 था, इसने एक फील्ड बनाया हुआ था, वो फील्ड, उस फील्ड में तुमने P2 को डाल दिया। सो P2 इज प्लेस्ड इन ए फील्ड ऑफ क्रिएटेड बाय P1। तो ये बताओ, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू 2 की 1 कितना होगा, इस पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू वन कितना होगा, ये बताओ। फील्ड ड्यू टू वन एट द लोकेशन ऑफ टू, तो तुमको पता है ये एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे टू टाइम्स होता है, सही है। एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो टू टाइम्स होता है के पी वन बाय आर क्यू। तो ये कितना है ये बताओ, माइनस पी टू कितना है, पी टू मैग्नीट्यूड वाइज। E1 कितना है, 2K P1 by R cube।
अब ये बताओ पी टू वेक्टर में और इवन वेक्टर में फील्ड जो इवन का था, जो वन का था और टू का डायरेक्शन एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट में, कॉस 0 डिग्री, समझ रहे हो? क्योंकि जो पी टू का डायरेक्शन होता है वो पी के डायरेक्शन में होता है, तो पी के कारण जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिसमें पी वेक्टर होता है। तो यहां पे निकल गया, तो यहां से क्या करोगे माइनस टू के पी वन पी टू बाय आर क्यू, करेक्ट, माइनस टू के पी वन पी टू बाय आर क्यू। अब तुमको क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाय डी आर, करो। माइनस एक तो पहले से था, ऊपर से ये निकल गया माइनस टू के पी वन पी टू, ऊपर से ये डिफरेंशिएट हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय आर टू दी पावर फोर, तो कितना जाएगा माइनस माइनस माइनस, एक माइनस रह जाएगा सिक्स के पी वन पी टू बाय आर टू दी पावर फोर। माइनस साइन मीन्स अट्रैक्टिव, माइनस साइन मीन्स अट्रैक्टिव, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर टू दी पावर फोर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर टू दी पावर फोर, अट्रैक्टिव फोर्स है और इतना है। दूसरा मेथड अगर हम लगाते हैं, कौन सा मेथड, हम सेकंड मेथड लगाते हैं, फोर्स मेथड। फोर्स मेथड हम पहले देखे थे क्या निकाले थे, अभी हमने इसके पहले डिराइव किया है। फोर्स क्या होता था बताओ, पी इंटू डी बाई डी एक्स, अभी निकाले थे इसके पहले, क्या निकाले थे, फोर्स इज इक्वल टू, अगर यू वन डायमेंशनल फील्ड है, पी इंटू डी बाई डी एक्स। तो ये बताओ ये P2 into dE1 by dx सिंपली कितना हो जाएगा, P2 into dE1 by dr, ये डिस्टेंस r है, ये वन डायमेंशनल फील्ड है तो डिस्टेंस ये r है। तो क्या करना है तुमको, P2 को तो P2 रखो, dE by dr कर दो, इसको करोगे dE by dr तो क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, तो dE by dr क्या आएगा, dE by dr आ जाएगा माइनस सिक्स के P1 by R to the power 4, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे R के साथ हो गया माइनस सिक्स के P1 by R to the power 4 एंड दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस सिक्स के P1 P2 by R to the power 4, सेम एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन। किसी कोई डाउट, ठीक, अरे इसको उलट दें, इसको वैसे ही रखें, इसको उलट दें, अब यही फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, अब यही फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहां पर जो तुम्हारा कॉस जीरो था वो कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, कॉस जीरो जो है क्या है, कॉस 180 थी, ये प्लस साइन के साथ हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर जैसे तुम इसको पलट दोगे, जैसे तुम इसको पलट दोगे तो अब डायपोल के डायरेक्शन में तुम्हारा फील्ड क्या हो रहा था, यहां पर इस केस में डायपोल के डायरेक्शन में फील्ड घट रहा था, और इस केस में जब डायपोल इस तरह से होगा तो डायपोल के उल्टा डायरेक्शन में फील्ड घटेगा, इसका उल्टा डायरेक्शन में घटेगा, ठीक है, तो उस केस में रिपल्सिव हो जाएगा। हम यही लिख देते हैं केस टू, केस टू अगर ये ऐसे रहे और इसको इस तरह कर दो तो सेम फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, सेम फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है, देखो एक मिनट में आ रहा हूं, सुनो चार्जर देना फोन पे, ठीक है, नेक्स्ट केस देखो। अच्छा ये बता यहां टॉर्क कितना होगा, फोर्स तो समझ गए, टॉर्क कितना होगा, या क्या टॉर्क जीरो होगा, ये फील्ड इसी के डायरेक्शन में है, ये फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगाएगा इधर, इस पे फोर्स लगाएगा इधर, बट दोनों फोर्स तो अलाइन हो रहा है, तो टॉर्क कितना होगा दोनों केस में, जीरो होगा, बिकॉज टॉर्क के लिए क्या चाहिए कि दोनों जो एंटी पैरेलल फोर्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन चाहिए, जो दो एंटी पैरेलल फोर्स हैं जब तक उनके बीच में लाइन ऑफ एक्शन का सेपरेशन नहीं होता है टॉर्क क्रिएट नहीं होता है,
टॉर्क क्रिएट करने के लिए एंटी पैरेलल फोर्सेस शुड बी सेपरेटेड बाय सम लीनियर डिस्टेंस, जो कि नहीं है, तो टॉर्क जीरो होगा दोनों केस में, ठीक है? सो टॉर्क इज जीरो। चलो नेक्स्ट लो, थर्ड केस ले रहे हैं, इसमें क्या करते हैं? हाँ P1, P1 dot E2 भी सेम आएगा। हाँ हाँ सेम आएगा, यहाँ ना P1 dot E2 बता रहा हूँ क्यों आएगा सेम। P1 dot अच्छा हाँ P1 dot E2 ना, हाँ देखो ये है P2, ये है P1, P2 का फील्ड यहाँ ऐसे होता है, P2 का फील्ड यहाँ ऐसे होता है E2, सेम मैग्नीट्यूड 2kP/P2/R³ इस डायरेक्शन में। तो अब जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो पहले आया था वही आएगा, दोनों नहीं लेना है, एक का फील्ड, एक का फील्ड दूसरे का को प्लेस किया गया है। हमने जब टॉर्क निकाला था डायपोल पे तो हमने बोला था कि एक्सटर्नल फील्ड है उसमें उसको डाल दिए, हमने ये नहीं बताया तो एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया, एक फील्ड है उसमें हमने इसको डाल दिया, अब हम बता रहे हैं वो फील्ड कहां से आया था, यहां से आया था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो अब देखो अगर हमारा इस तरह से हो, कैसे हो, और इस तरह से हो कि एक डायपोल इस तरह से है और दूसरा डायपोल इस तरह से, तुमको जानना है अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव। दूसरी बात एक चीज और बता रहा हूं मैं तुम्हें, डायपोल का इंपॉर्टेंस मान ली क्यों है, जब भी कोई फील्ड, जब भी कोई क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में आएगा, यहां इलेक्ट्रिक डायपोल लिए है ना, वहां मैग्नेटिज्म में आएगा बार मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी फॉर्मूले को वहां इम्प्लांट कर देंगे एज इट इज, समझ लो। क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल, हर चीज लाइन बाय लाइन सेम होती है, मींस जहां एम है, जहां क्यू है वहां एम होता है मोनोपोल स्ट्रेंथ, जहां पी वेक्टर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, वहां होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, यहां जो फील्ड है रेडियल वो सेम आता है। क्लास के एंड में उनको याद दिला देना, उनको रेफरेंस दे देंगे, पढ़ने के लिए नहीं, वो तो पढ़ाएंगे तो हम हैं ही, बट तुम किसी भी क्वेश्चन को पूछा गया मैग्नेटिक डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में सॉल्व करके और उसको आंसर को एज इट इज न्यूमेरिकली डाल दो। ये होता है साउथ पोल नेगेटिव चार्ज, ये होता है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समझ लो इस बात को, मैग्नेटिक डायपोल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जितने भी कंपासेस होते हैं हम उसका शॉर्टकट यहीं से निकालते हैं, हम इसी को प्लांट करके आंसर निकालते हैं, हम उसके लिए फिर से अलग से नहीं पढ़ते, एक पूरी चैप्टर ऐसी वहां पे है, जब उस चैप्टर बताऊंगा जब उसका फॉर्मूले देखोगे तो सारे फॉर्मूले वही है जो मैंने डिराइव कराए आपको, ठीक है? तो वो तुमको बाद में काम देगा। सो देखो ये एक P1 है और ये एक P2 है, दोनों इस तरह से रखा हुआ है, ये साउथ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करना चाहिए, करेगा, रिपेल करना चाहिए, करेगा, देखना अपने आप आएगा कैसे करेगा। सबसे पहले तो तुम ये मानो कि P1 P2 के फील्ड में रखा है या P2 जो है P1 के बनाए हुए फील्ड में रखा हुआ है, तो मान लो हम यहाँ पे E1 लेते हैं, तो अगर हम फील्ड ड्यू टू वन यहाँ लेना चाहें, फील्ड ड्यू टू वन यहाँ लेना चाहें तो इस तरह बनेगा, बताओ फील्ड ड्यू टू वन जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब एंटी पैरल, एंटी पैरल के पी वन बाय आर क्यूब एंटी पैरल टू पी वन वेक्टर, तो ये होगा फील्ड यहां, इसके कारण यहां जो फील्ड होता है वहां एक तो टू नहीं होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे और दूसरा एंटी पैरेलल होता है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो यू यहां कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ पी टू डॉट ई वन,
चूंकि माइनस है और एक 180 यहां भी है, तो माइनस ऑफ पी टू इंटू ई वन कॉस 180 डिग्री, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा पी टू, मीन्स क्या होगा के पी वन पी टू बाय आर क्यूब। तो फोर्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर। एक तो माइनस पहले से है, ऊपर जो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये के पी वन पी टू बाहर निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो जाएगा माइनस थ्री बाय आर क्यूब आर टू पावर फोर, यानी कितना हो जाएगा बताओ, थ्री के पी वन पी टू बाय आर टू पावर फोर, यानी वहां के कंप्रेशन में हाफ आ रहा है, वहां कितना था सिक्स के पी वन पी टू बाय आर टू पावर फोर, और ये कितना है थ्री के पी वन पी टू बाय, प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है मीन्स रिपल्सिव। प्लस साइन का मतलब है रिपल्सिव, प्लस साइन का मतलब है रिपल्सिव। अब यहां पे अगर हम उसको फोर्स मेथड से बनाना चाहें तो थोड़ा और इसको फोर्स मेथड से बनाना चाहें, यानी फील्ड निकाल के वहां डी ई बाई डी एक्स किए थे ना, तो फील्ड तो इसके कारण इधर है, चला आएगा क्या कि नहीं आएगा, फील्ड के कारण नहीं निकालते हैं, एनर्जी ही बेटर होता है, रहने दो। चौथा, अगर हम इसी को ऐसे कर दें और इसको अगर हम ऐसे कर दें, यहां भी टॉर्क जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन इसके साथ अलाइन है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हो, क्योंकि P2 का डायरेक्शन E1 के एंटी पैरेलल है, तो इक्विलिब्रियम अभी भी टॉर्क, टॉर्क दोनों केस में जीरो होता है, चाहे थीटा जीरो डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, यहां 180 है इसलिए जीरो, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जबकि लास्ट केस में वो क्या था, वो जो आया था जब इस तरह से लिए थे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यहां पे अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब यहां देखो तो यहां पे क्या होगा, यहां पे टॉर्क होगा जीरो और फोर्स होगा अट्रैक्टिव माइनस थ्री के पी वन पी टू बाई आर टू पावर फोर, मीन्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि अगर हमको कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, किस टाइप से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, ये इनफाइनाइटली, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, तो तुम जानते हो उसके कारण जो फील्ड होता है वो क्या होता है, रेडियल होता है, इसके कारण जो होता है फील्ड वो रेडियल होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, इसी कारण जो फील्ड लाइन होता है वो रेडियल होता है, हर जगह फील्ड रेडियल होता है, और आर डिस्टेंस पे इसकी मैग्नीट्यूड होती है 2k λr, इसकी फील्ड, इसकी जो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वो होती है 2k λr या कुछ भी हो सकता है, ये मतलब इस केस में 2k λr होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, हम जानते थे k λr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा बीटा सेम है 90 90, तो साइन, तो 2k λr, के है 1/4πε0। अब अगर हम इसमें अगर एक डायपोल को रख दें, इसमें अगर हम एक डायपोल को रख दें, कैसे रख दें, अरे एक डायपोल को हम रख दें ऐसे, आर डिस्टेंस पे, तब फोर्स कैसे निकालोगे, तब फोर्स कैसे निकालोगे, अरे डायपोल को हम एक आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे अगर हम डायपोल को रख दें रेडियस के लॉ, रेज के लॉ, तो फोर्स कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, क्या करोगे, लिखोगे यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, यहां क्या है बताओ, फर्स्ट केस में यू कितना हो जाएगा माइनस पी डॉट ई,
नाउ पी है रेडियली आउट, पी है रेडियली आउट और फील्ड भी है रेडियली आउट, तो एंगल कितना दोनों में 0 डिग्री। ई का वैल्यू क्या है बताओ, 2k λ/r। तो फोर्स निकाल लोगे -du/dr, फोर्स निकाल लोगे -du/dr, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे ना। ये रोडो का क्वेश्चन है, बता रहा हूं पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हमने डायपोल को ऐसे रख दिया यानी इस एक्सिस के पैरेलल, और हमने डायपोल को इस तरह से नहीं रखा, पहले डायपोल को रखा था इस तरह से, ये अगर लीनियर चार्ज है डायपोल को रखा था इस तरह से पहले, अब रख रहे हैं डायपोल को इस तरह से इसके पैरेलल, अब फोर्स कितना होगा, अब फोर्स कितना होगा, क्या जो फील्ड यहां है वही फील्ड यहां होगा, क्या दोनों जगह फील्ड का मैग्नेटिक डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं होगा। यहां फील्ड यहां से r डिस्टेंस पे, मतलब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों कितने डिस्टेंस पे है एक्सिस से, इस थ्रेड से r डिस्टेंस पे है, तो यहां जो फील्ड होगा वो होगा 2k λ/r, यहां भी फील्ड कितना होगा 2k λ/r, यहां भी फील्ड रेडियली आउट, यहां भी फील्ड रेडियल आउट, तो क्या दोनों जगह फील्ड सेम है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0 होगा। तीसरा केस, तीसरा केस ये पूछा गया है कि डायपोल को ऐसे रख दिया गया, कैसे, अलोंग द टेंजेंट, मीन्स डायपोल को अब कैसे रख रहे हैं, ये थ्रेड है तो डायपोल को इस तरह रख रहे हैं, समझो इस थ्रेड के परपेंडिकुलर, ये थ्रेड है और ये थ्रेड है, मान लो ये तुम्हारे तरफ जाता हुआ थ्रेड है, तो हम इसको ऐसे रखे, यानी ये अगर सर्किल है तो टेंजेंट के लॉन्ग, अब फोर्स कितना होगा, तो यहां थोड़ा सा हमको अकल लगाना पड़ता है, क्या करते हैं हम इसको थ्रेड को इस तरह दिखा रहे हैं, हम लैम्डा को तुम्हारे तरफ दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं समझो, ये प्लस लैम्डा है मींस ये धागा है, अंदर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है और यहां से होते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस में निकल जा रहा है, ये धागा है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पीछे से आ रहा है बोर्ड के पीछे से और यहां से होते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस में निकल जा रहा है, यानी हम इसको यहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो धागा इस तरह आ रहा है मेरे तरफ, तो ये इसका बनता है फील्ड लाइन, सॉरी, तो इसके कारण जो फील्ड लाइन होता है ना वो ऐसा होता है, इसके कारण फील्ड लाइन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, देखो अब तुमने डायपोल को यहां डाला है अप्रोक्सीमेटली, इतना छोटा डिस्टेंस है ये डायपोल का कि तुम इसको छोटा सा टुकड़ा मान सकते हो, बहुत छोटा टुकड़ा स्ट्रेट लाइन होता है, अब पूछा है फोर्स कितना होगा, अगर डायपोल को ऐसे प्लेस करेंगे तब फोर्स कितना होगा, तो क्या करोगे, हम क्या करते हैं मान लेते हैं एंगल है डी थीटा, ये छोटा सा एंगल है डी थीटा, ये डिस्टेंस कितना है आर, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहां एक फोर्स लगेगा कितना क्यू, यहां एक फोर्स लगेगा कितना, यहां एक फोर्स लगेगा क्यू और यहां एक फोर्स लगेगा कितना माइनस क्यू, यहां एक फोर्स लगेगा क्यू, यहां एक लगेगा माइनस क्यू, तो नेट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, अरे इसका एंगल बाइसेक्टर ले लें, क्या करें इसका हम अगर एंगल बाइसेक्टर ले लें इस तरह से, ये एंगल कितना हो गया θ/2, ये कितना हो गया θ/2, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ही, तो इसका जो कंपोनेंट ये हो जाएगा लगभग परपेंडिकुलर, तो ये लगभग टेंजेंट बन जाता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस इज लाइक दिस, या एक काम करो
काम करते हैं। यहां मान लो हमने रखा है चार्ज माइनस क्यू और यहां एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। यहां जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था क्यू, यहां लग रहा था क्यू और यहां लग रहा था क्यू। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वो डायरेक्शन जो है एक है रेडियली आउट एक है रेडियली इन, एक है रेडियली आउट और एक है रेडियली इन। हम इन दोनों का वेक्टर सम निकालना चाहते हैं, तो पहले ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, समझो एक वेक्टर को अगर हम खींचे इस वेक्टर को, जो अट्रैक्टिव फोर्स था क्योंकि फील्ड तो दोनों जगह रेडियली आउट था, सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा रेडियली आउट, इस पे लगेगा रेडियली इन। इस फोर्स को खींच के यहां ले आओ, तो ये एक फोर्स हो गया क्यू और एक फोर्स ये हो गया क्यू, और ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा सो बताओ, एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ क्यू इंटू क्यू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, जिनका हम वेक्टर सम निकाल रहे हैं इनके बीच का एंगल इतना हो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू क्यू स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, दैट वुड बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसका मतलब हुआ टू टाइम्स ऑफ टू इंटू टू का रूट टू, क्यू स्क्वायर का क्यू साइन स्क्वायर थीटा का बाई टू का मीन्स थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू। बिकॉज डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, बिकॉज डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, देखो ये जो एल लेंथ होता है डायपोल का ये बहुत छोटा होता है, थीटा बहुत छोटा है, इसीलिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, ये टू टाइम्स ऑफ क्यू टू टाइम्स ऑफ क्यू इंटू थीटा बाई टू, दैट विल बिकम इक्वल टू क्यू थीटा। अब थीटा हमको लिखना है पी के टर्म में, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या हम थीटा को लिख सकते हैं, क्या हम थीटा को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ दिस डायपोल डिवाइडेड बाय आर, क्या हम थीटा को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ दिस डायपोल, ये छोटा सा डायपोल है इसका लेंथ डिवाइडेड बाय आर, तो हम इसको लिख सकते हैं एल बाय आर क्यू इंटू थीटा मीन्स व्हाट एल बाय आर, लेकिन क्यू इंटू एल क्या है बताओ, क्यू इंटू एल क्या है डायपोल मोमेंट, तो ये कितना हो जाएगा क्यू, ये कितना हो जाएगा बताओ, दैट वुड बिकम इक्वल टू क्यू बाय आर सॉरी क्यू इंटू एल मतलब ये पी, क्यू इंटू एल चार्ज इंटू ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज माइनस क्यू प्लस टू इज पी, पी इंटू ई बाय आर। अब तुम ई को डाल दो, ई कितना था टू के लैम्डा बाय आर, तो यहां से फोर्स कितना है ये बताओ पी टाइम्स ऑफ टू के लैम्डा बाय आर डिवाइडेड बाय आर टू के लैम्डा बाय आर स्क्वायर। अब ये बताओ ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा और किधर होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव छोड़ो ये किधर होगा, अंदर बाहर अप या डाउन, अपवर्ड, ये बताओ yes. इसका कंपोनेंट एक राइट एक अप, इसका एक कंपोनेंट लेफ्ट और एक अप, तो लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो जाएगा, तो किधर ले जाए अपवर्ड ले जाए, ठीक है चलो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल, अगर कभी ऐसा हो कि बहुत सारे चार्जेस हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और तब पूछे डायपोल मोमेंट वेक्टर या टॉर्क या कुछ भी पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो उस केस में क्या करते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको अगर वो पॉजिटिव चार्ज q की जगह m होता, 2q की जगह 2m होता, 3q की जगह 3m होता, तो उसका जो सेंटर मास आता उस जगह पे सारे पॉजिटिव चार्ज को एक चार्ज बना के डाल दो। उसी तरह से जितने माइनस क्यू चार्जेस हैं, माइनस क्यू माइनस टू क्यू माइनस थ्री क्यू माइनस फोर क्यू, अगर उसी तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उसका जो सेंटर मास आता नेगेटिव का, वहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज को डाल दो और फिर डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा टोटल क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं, एक दो डिराइव करेंगे और फिर तुमको बताएंगे उसको जनरलाइज कर देना है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सेंट्रल मास का कॉन्सेप्ट तुमको मैंने चार्ट में जो नोट्स भेजा था उसमें वो कुछ फॉर्मूले फिर से दे दिए थे रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल होगा तो क्या करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल। डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल के केस में समझो हमको करना क्या होता है कि हमको सारे पॉजिटिव चार्जेस का हम दो तरह इसको बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं समझो, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसपे नेट चार्ज जीरो है, ऑफ ए सिस्टम विथ नेट चार्ज जीरो, जैसे मान लो एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, यहां चार्ज है Q, यहां चार्ज है या मान लो यहां चार्ज है माइनस टू क्यू, यहां Q है और यहां Q है, सारा लेंथ है। पूछा गया बताओ इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट पूरे सिस्टम का कितना है, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना है। तो याद रखना तुमको किसी चार्ज को रिपीट नहीं करना है और पेयर बनाना है जैसे बनाना चाहो, तुमको किसी चार्ज को रिपीट नहीं करना है, मतलब चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, एक बार किसी चार्ज को ले लिया तो दोबारा नहीं लेंगे। तो समझो हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस क्यू को लिख देते हैं माइनस टू क्यू को, माइनस क्यू और माइनस क्यू दो बार या दो बार ले लिए, एक बार इन दोनों का पेयर बनाओ माइनस क्यू प्लस क्यू और एक बार इन दोनों का पेयर बनाओ माइनस क्यू प्लस क्यू, तुम पाओगे कि ये एक डायपोल बना यहां से यहां तक और ये एक डायपोल बना यहां से यहां तक, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और यहां माइनस थ्री क्यू होता तो एक माइनस क्यू बच जाता, नेट चार्ज सिस्टम पे जीरो नहीं होता, ये माइनस क्यू और क्यू कर लिए तो इसको खत्म हो गया, यहां माइनस क्यू क्यू सब खप गया। तो देखो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा क्यू इंटू एल, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा क्यू इंटू एल, इसका कितना होगा Q इंटू एल, Q इंटू एल इसका हो गया और Q इंटू एल इसका हो गया। नेट निकालना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, इसके एंगल बायसेक्टर के डायरेक्शन में होगा तो P नेट हो जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ क्यू एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर प्लस टू इंटू क्यू एल इंटू क्यू एल कॉस 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू रूट थ्री क्यू एल, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है, अल्टरनेटिव मेथड क्या है, सारा का सारा माइनस चार्ज तो यहीं पे था माइनस टू क्यू, तो यहां ये हो गया सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये क्या है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां कितना हो गया माइनस टू क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यहां है और प्लस क्यू चार्ज यहां है। अगर यहां मास एम होता और एम होता तो इसका सेंटर मास का होता मिड पॉइंट पे होता, यानी यहां पे इसका मिड पॉइंट पे आएगा इसका सेंटर ऑफ चार्ज, इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, कहां पे मिड पॉइंट पे, कितना आएगा ये 2q, पूरे 2q को इन दोनों को निकाल दो और पूरे 2q को यहां पे एज ए कॉमन पॉइंट डाल दो। अब यहां से यहां अगर तुम ज्वाइन करोगे निगेटिव टू पॉजिटिव तो तुम्हारा एक ही डायपोल मोमेंट वेक्टर आएगा डायरेक्टली, दैट इज इक्वल टू 2q मैग्नीट्यूड इनटू दिस लेंथ, और ये लेंथ कितना होता है बताओ, ये होगा l cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा q इनटू l इनटू रूट थ्री बाई टू, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आएगा। अब समझो हम बार बार ऐसा काम नहीं करेंगे, हम सेंटर मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम कहीं भी अब कोई क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लिकेटेड सा है कुछ भी हो सकता है देखो, और एक बार जब तुमने इसको निकाल लिया P, उसके बाद इस रिजिड स्ट्रक्चर को, इस ट्रायंगल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दे और पूछे टॉर्क कितना होगा, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दे पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर किसी इसको कोई आदमी फील्ड में रोटेट कर दे पूछे उसने वर्क कितना किया, इस कॉम्बिनेशन, इस असेंबली के कारण
कहीं पे बहुत दूर पे फील्ड पूछे, पोटेंशियल पूछे, तो एक बार जब तुमने इसको डायपोल बना दिया तो इसको खत्म कर दो, इस ट्राइंगल को खत्म करके क्या बना दो, कन्वर्ट इट इंटू ए सिंगल एरो, कन्वर्ट दिस इंटू ए सिंगल एरो हुज डायपोल मोमेंट वेक्टर इज, हुज डायपोल, अब इसका ट्राइंगल गॉन हो गया, इसका ट्राइंगल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, इसके ट्राइंगल है ही नहीं, हम नहीं जानते हैं ट्राइंगल, हमारे लिए सिर्फ एक एरो है, एक तीर है, और वो तीर टेढ़ा नहीं हो सकता है, वो तीर है जहां जाएगा साथ जाएगा इससे, तो उस तीर का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना है इस डायरेक्शन में, रूट थ्री टाइम्स ऑफ क्यू एल, उसके बाद जितना डायपोल में पड़े हो हर जगह क्यू की जगह पी की जगह ये डाल दो आंसर आ जाएगा, हर जगह पी की जगह ये डाल दो आंसर चला जाएगा, ठीक है, टॉर्क है घूम जाएगा, ऐसा घूमेगा कि वो उसके साथ एलाइन हो जाएगा, वर्णन पूछा है, कुछ भी पूछा है, ये तुम्हारा अब यही चीज तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है, समझो इसको, हम हमसे ये कहा गया है, हाँ बताओ, फिर से ड्रॉ कर देंगे, बताओ प्रॉब्लम क्या है, हेलो सर वो कॉस 30 होना चाहिए था ना, 30 इसलिए थे, कॉस 60 होना चाहिए था, एंगल बाइसेक्टर है ना वो 60 का, यहां पे कितना था 2q, यहां कितना था -2q, ठीक है, ये है लाइन जॉइनिंग -2q एंड q, ठीक है ना, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो -2q से +2q तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, एल कॉस 30 डिग्री ना, ठीक है ना, देखो अब समझो, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, हो सकता है इस तरह से हो, कैसा हो, ये क्यू है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां सेंटर में चार्ज रखा है -Q, ये हाफ रिंग है, ये हाफ रिंग है, टोटल चार्ज सिस्टम पे कितनी है 0, रेडियस कितनी आर, रेडियस कितनी आर, हो सकता है हमारे पास इस तरफ से हो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, सेंटर में रखा है -Q, यहां चार्ज है क्यू, पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस एंटायर कॉम्बिनेशन, या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से हो, ये कोन है, हॉलो स्फेरिकल कोन या सॉलिड कोन कुछ भी हो सकता है, हॉलो और इसके सेंटर पे यहां चार्ज क्यू है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और ये है -2 यहां रखा है सेंटर ऑफ द बेस पे, ये है क्या बोले कोन विथ चार्ज ऑन सरफेस लैटरल सरफेस, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, और मेरे से अगर पूछा जाए कि फाइंड फाइंड द टॉर्क, टॉर्क निकालिए, ठीक है, या फाइंड द पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है इस पूरे प्लस चार्ज, अगर जिस तरह से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसी तरह से जिस तरह से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग के ऊपर उसी तरह से अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो उस मास का सेंटर ऑफ मास कहां पे निकलता है 2r/π, हम इसको यहां डाल देते हैं, कितना डाल देते हैं यहां पे टोटल चार्ज प्लस क्यू, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज हियर, डिस्टेंस इज व्हाट 2r/π,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, क्यू इंटू टू आर बाई पाई जे कैप माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्यू इंटू टू आर बाई पाई अपवर्ड डायरेक्शन। यहां क्या हो जाएगा, हॉलो स्फेरिकल सेल है, हम जानते हैं इस केस में सेंट्रल मास की हाइट कितनी होती है, अगर ये हॉलो स्फेरिकल सेल होता तो आर बाई टू पे होता है, इसलिए जो मैंने नोट्स भेजा है उसमें मैंने सेंट्रल मास के कुछ फॉर्मूले जो है उसको डाल दिया है, लिख दिया है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो कभी, तो कुछ नहीं करना है, तो पूरे प्लस क्यू को इन सब से निकाल के यहां डाल दो, तो कितना हो जाएगा क्यू इंटू आर बाय टू अपवर्ड। यहां क्या करोगे, हॉलो हॉलो कोन में सेंट्रल मास का डिस्टेंस होता है एच बाई थ्री, हाइट बाई थ्री, बेस से कितना होता है एच बाई थ्री हॉलो कोन में, और सॉलिड कोन में होता है एच बाई फोर। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, यहां पे इस पूरे प्लस क्यू को इस पूरे कोन को निकाल देंगे, और इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो वही आएगा जो इस हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, यानी यहां कितना है प्लस क्यू और ये कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू, ये डिस्टेंस कितना होता है एच बाय थ्री, ये होता है एच बाय थ्री हॉलो कोन के लिए एच बाय थ्री, सॉलिड कोन के लिए एच बाय फोर, तो डाल दो वो भी आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। तो याद रखिएगा तो सेंट्रल मास इसलिए जरूरी है कि सेंट्रल मास के बिना आपका रोटेशनल नहीं बनेगा, सेंट्रल मास के बिना आपका जो है एसएचएम में कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम नहीं बनेगा, सेंट्रल मास के बिना तुम्हारा यहां भी नहीं बनेगा। तो एक बार सेंट्रल मास मतलब उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ रहे हैं हम उस डेराइवेशन पे जो हम पोलर कोऑर्डिनेट में, हम पोलर कोऑर्डिनेट का वो दिए थे लेकिन मतलब वो ज्यादा है, जरूरत नहीं है उसका, जो हम वीडियो लेक्चर दिए थे। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट हम अगर बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम ये कर सकते हैं कैसे, देखो तो थोड़ा सा बताते हैं कि हम उसी फील्ड को कैसे आसानी से डिराइव कर सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। सो मैं नोट्स दे ही चुका हूं, अब देखो देखो बिकॉज डायपोल पे टॉर्क लगता है, बिकॉज डायपोल पे टॉर्क लगता है, तो हम डायपोल को किसी भी ऐसे क्वेश्चन से मिक्स कर सकते हैं जो रोटेशनल का क्वेश्चन है, रोटेशनल मैकेनिक्स कैन बी मर्ज्ड विद डायपोल, रोटेशनल मैकेनिक्स कैन बी मर्ज्ड विद डायपोल, कैसे कैसे, चलो देखते हैं। एक चीज बताओ मुझे, स्टेप बाय स्टेप बताना, ये एक स्फेयर है, इसको मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दिया, इसको मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दिया, ठीक है, ये एक स्फेयर है, इसको इंक्लाइंड, अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है तो क्या होगा, अगर इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो इसका सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा mg, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा mg, और यहां से एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, mg भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और नॉर्मल भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो दोनों का टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन हाँ यहां अनबैलेंस फोर्स है, देखो नॉर्मल क्या करेगा, mg cos थीटा को तो कैंसिल कर देगा, नॉर्मल क्या करेगा, mg cos थीटा को तो कैंसिल कर देगा, सो इस डायरेक्शन में फोर्स कैंसिल हो जाएगा, बट mg sin थीटा कोई कैंसिल नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, ये एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा क्यों, क्योंकि इसमें नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितना है mg sin थीटा, देखो mg का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सरफेस के परपेंडिकुलर और एक होगा सरफेस के पैरेलल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल, और जो पैरेलल उसको कोई नहीं बैलेंस कर सकता है, तो क्या होगा, ये चलेगा, लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स तो है, कितना है mg sin थीटा, mg cos थीटा कट गया, mg sin थीटा को कोई नहीं कैंसिल कर पाया क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो mg sin थीटा की वजह से ये एक्सीलरेट करेगा,
पर टॉर्क तो जीरो है, तो घूमेगा नहीं, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे ये ऐसे चलेगा, ये घूमेगा नहीं, टर्लेगा ही नहीं, एकदम ऐसे चलेगा। चलो अब मान लो फ्रिक्शन है तो क्या होगा, अब मान लो अब रोल करेगा, अभी अब जब फ्रिक्शन ऐड करेगा इस तरह समझो, अब अगर फ्रिक्शन हो गया तो अब देखो इस फ्रिक्शन का टॉर्क होगा किसके अबाउट, सेंटर मास के अबाउट, क्योंकि फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से पास नहीं कर रहा है, एमजी का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से पास कर रहा है, एमजी टॉर्क नहीं दे पाएगा, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से पास, नॉर्मल टॉर्क नहीं दे पाएगा, बट फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर मास से पास नहीं कर रहा है, ये तो टॉर्क देगा, अब ये घूमेगा भी, अब ये घूमेगा भी, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, अब ये ऐसे चलेगा, अब ये इस तरह से नहीं चलेगा, अब ये ऐसे चलेगा भी घूमेगा भी, एग्रीड? अब अगर मैं ये चाहता हूं तो फ्रिक्शन ही टॉर्क दे रहा है, और कोई टॉर्क दे रहा है क्या, एमजी टॉर्क दे नहीं सकता, नॉर्मल टॉर्क दे नहीं सकता है, और ये नहीं, ये भी है सही है, तो ये बताओ अगर मैं ये चाहता हूं इसके टॉर्क को जीरो करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक डायपोल लाता हूं, समझो मैं एक डायपोल लाता हूं या एक माइनस क्यू प्लस क्यू इसमें फिक्स कर देता हूं, कैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां माइनस टू फिक्स कर देते हैं और यहां प्लस टू फिक्स कर देते हैं, यहां एक माइनस क्यू को ग्लू कर देते हैं, यहां प्लस टू को ग्लू कर देते हैं, और हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑन कर देते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑन कर देते हैं, और हम कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम है, और हम क्या कह रहे हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम, तो क्या इक्वेशन लिखोगे, वंस आई हैव पेस्टेड माइनस टू प्लस टू हियर, I am saying that the system comes in equilibrium. Now, system is in equilibrium. Net force is zero and net torque is zero. ना तो ये चल रहा है और ना ये घिसक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बताओ इक्वेशन क्या होगा, पहली बात तुम क्या करोगे, तुम कहोगे इस डायरेक्शन में इसको मान लो x डायरेक्शन और इसको मान लो y डायरेक्शन, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ए वाई जीरो है, ए वाई जीरो का मतलब क्या है, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो, तो कौन कौन सा फोर्स y डायरेक्शन में है सो बताओ, एक फोर्स ये है y डायरेक्शन में, कौन सा, नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन का कंपोनेंट y में है नहीं, mg का एक कंपोनेंट है, कितना, mg cos थीटा, देखो इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर दो ही फोर्स है, एक है नॉर्मल, दूसरा है एमजी का वो कंपोनेंट जो उसके उल्टा है, यानी कि नॉर्मल माइनस एमजी कॉस थीटा है जीरो। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई अप, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, प्लस क्यू के ऊपर क्यू ई अप, और माइनस क्यू पे क्या लगेगा, क्यू ई डाउन, वो तो कट ही जाएगा, कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल पे नेट फोर्स जीरो देता है, नेट टॉर्क दे सकता है, एन माइनस एमजी कॉस थीटा जीरो। अब जरा इधर आओ, एक्स डायरेक्शन में इक्वेट करो, एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल था नहीं, फ्रिक्शन था निगेटिव एक्स में, और इस डायरेक्शन में एमजी का एक कंपोनेंट था, कितना था, एमजी कॉस थीटा साइन थीटा, तो क्या लिख दोगे, mg sin theta minus friction is zero. क्यों, ax is zero. Along x direction, mg sin theta minus friction is zero. Friction निकल गया. तीसरा टॉर्क देखो, नॉर्मल का टॉर्क था नहीं, mg का टॉर्क था नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क था ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसने जरूर एक टॉर्क दिया होगा एंटी क्लॉकवाइज, यह टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन और यह टॉर्क ड्यू टू डायपोल,
अगर ये डायपोल ना होता, अगर ये फील्ड ना होता, तो फ्रिक्शन का टॉर्क होता अनबैलेंस टॉर्क, लेकिन अब जीरो हो रहा है, तो क्या लिखोगे? फ्रिक्शन का टॉर्क, बताओ, टॉर्क इज जीरो, टॉर्क अबाउट सेंटर मास इज जीरो, टॉर्क अबाउट सेंटर मास इज जीरो, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन का टॉर्क जो क्लॉकवाइज था, बताओ सेंटर मास अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा, बताओ, एफ इंटू आर, फ्रिक्शन इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, फ्रिक्शन इंटू आर क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी ई साइन 90 डिग्री, बताओ ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, कौन सा, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, समझो, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये है फील्ड वेक्टर पी क्रॉस ई, कैसे हो रहा है बताओ, पी क्रॉस ई, ई है ऊपर, पी है माइनस टू प्लस, पी क्रॉस ई कैसा दिख रहा है तुमको, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का वेक्टर सम जीरो है, जहां पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस क्यू प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पे है, टू आर डिस्टेंस पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे हैं, यानी उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, टू आर, तो यहां इसको क्या लिख दोगे, एफ इंटू आर इज इक्वल टू पी के बदले क्या लिख दोगे, चार्ज क्यू इंटू टू आर इंटू ई, एक आर कट गया, एक आर कट गया, यू कैन गेट फ्रिक्शन, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ई निकल जाएगा, यहां फ्रिक्शन कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा, यहां आ रहा है कितना, एफ इज इक्वल टू टू क्यू ई, टू क्यू ई तो आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन सब बहुत आता है, ऐसा क्वेश्चन सब बहुत आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, और हम किसी भी डायपोल अटैच कर दें, हम किसी भी चीज में अगर डायपोल अटैच कर दें, हम इसके इसके ऊपर एक डायपोल यहां एक अटैच कर दें, पेस्ट कर दें, एक डायपोल पेस्ट कर दें, उसको फील्ड में डाल दें, तो डायपोल के अटैच होने से इसके ऊपर अब एक टॉर्क एक्ट करेगा, फोर्स भले एक्ट ना करे, नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बट नेट टॉर्क एक्ट करेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो होगा बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो हम उसको डिराइव कर रहे हैं जो हम पोलर कोऑर्डिनेट से करना चाह रहे थे, तो उसको बाद में देख भी लेना नोट्स में, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना। आई थिंक जितने भी तुम लोगों सबके स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ लेंगे तो हम सबसे पहले गॉस लॉ को डिराइव करेंगे, ठीक है, हम गॉस लॉ को डिराइव करेंगे और बताएंगे कि गॉस लॉ कहाँ से आता है। इट इज नॉट ए जस्ट लॉ, इट इज जस्ट नॉट ए जस्ट लॉ, जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ यूट्यूब पे, कुछ मतलब चैनल पे पढ़ाते हैं तो बोलते हैं गॉस बाबा ने कहा था, गॉस बाबा ने कहा नहीं था, गॉस बाबा ने डिराइव किया था, गॉस बाबा इतने छोटे इंसान नहीं थे कुछ कह देते और लोग मान लेते हैं, ठीक है। हर चीज का डेरिवेशन है, हर चीज का डेरिवेशन है, और हम उसमें तो एक नया टेक्निक बताएंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स मीन्स प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन कैसे बनते हैं गॉस लॉ के वाइज एप्लीकेशन से, ठीक है। देखो हम ये डिराइव किए थे कि अगर ये एक डायपोल है, इस डायपोल की वजह से इस आर डिस्टेंस पे एंगल है थीटा, यहां पर जो हमारा फील्ड था, सॉरी, जो यहां पोटेंशियल था वो कितना आया था, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब समझो इस बात को, यही जो फॉर्मूला है यही बेसिस होता है डायपोल के डिफिनीशन का, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है डायपोल के बेसिस के डिफिनीशन का बेसिस होता है। डायपोल का ये पहला डिफिनेशन मैंने लिखा था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वो गलत डिफिनेशन है, प्रैक्टिकली वो गलत डिफिनेशन है। डायपोल का यूज क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं, हम एटम्स का बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं डायपोल से, हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं डायपोल से, एक्सपेरिमेंटली करके हम पता कर सकते हैं कि
अंदर क्या हो रहा है, जहां हम देख नहीं सकते हैं, समझो। बहुत बड़ी चीज साइंस में, बहुत बड़ा चीज क्या होता है, तो ये एक झोला है, एक झोला है, ठीक है। मैंने इसमें एक चार डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, बंद कर दिया। अब किसी को नहीं पता है झोला के अंदर क्या है मेरे अलावा, और मैं किसी को बताऊंगा भी झोले के अंदर क्या है, और मुझे पता करना है झोले के अंदर क्या क्या है, गेस करना है इस झोले के अंदर क्या है, ये मुझे गेस करना है। तो मैं कैसे करूंगा, समझो, ये झोला जो है ना, ये डायपोल है। इस झोले के अंदर जो चार्जेस है वो कुछ इस तरह से, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, कोई प्लस है, कोई माइनस है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बट उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी आ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पूरा का पूरा झोला का एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट हैं हम वो देख नहीं सकते हैं, किसके अंदर प्लस कितना है, माइनस कितना है, हम जानते ही नहीं है, हमको इसके अंदर जाने का परमिशन ही नहीं है। और बिना अंदर गए हमको ये बताना है कि इसका क्या है, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या है। तो हम क्या करते हैं, मेरे लिए एक अननोन बॉक्स है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम ये करते हैं, देखो व्हाट वी डू इज दैट दिस इज एन अननोन बॉक्स, वी डोंट नो व्हाट इज वेयर, हो सकता है ये कुछ इस टाइप्स ऑफ डायपोल, वी डोंट नो। तो हम क्या करते हैं, समझो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, हम इसको फिक्स करके हम यहां से मूव करना शुरू करते हैं और पोटेंशियल नापते हैं। हम यहां से मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, इससे एक पर्टिकुलर लार्ज डिस्टेंस पे जाके, और फिर ये से मूव करते हैं, डिटेक्टर को मूव करते हैं ऐसे करके, जो पोटेंशियल नापता हो। हमने क्या देखा कि जब हम इसको घुमा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, हमने क्या देखा कि इसका पोटेंशियल सेम डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल सेम डिस्टेंस पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, और जब उसको हम एंगल बदल रहे हैं तो पोटेंशियल बदल रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज होता तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, इक्वल डिस्टेंस पे पूरे स्फीयर में पोटेंशियल क्या आता है, सेम आता है, बट यहां नहीं आता है। सेम डिस्टेंस आर में हम घूम रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। हमने क्या देखा कि मैक्सिमम पोटेंशियल यहां है, हमने क्या देखा मैक्सिमम पोटेंशियल यहां पे था, और हमने क्या देखा कि मिनिमम पोटेंशियल यहां पे था। इसका मतलब ये डायपोल है, इसका मतलब ये डायपोल है, इसके अंदर एक डायपोल मोमेंट है, इसीलिए इसका पोटेंशियल जो है यहां मैक्सिमम था, यहां मिनिमम है। मिनिमम से मैक्सिमम को ज्वाइन करोगे, मिनिमम पोटेंशियल पॉइंट से मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, वो बताएगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, आ गया कि ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, क्योंकि तो पता है कि डायपोल के डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और डायपोल के एंटी पैरेलल में सबसे कम होता है। ये निकल गया डायरेक्शन। अब रहा मैग्नीट्यूड, कितना होगा भाई, अब हो गया मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, या तो क्या करूं, इन दोनों का यहां तुम्हारा पोटेंशियल निकल गया, यहां पे ये था, ये डिस्टेंस था आर, तो तुमको पता है यहां जो पोटेंशियल आया था वो कितना था, केपी बाय आर, क्योंकि यहां कॉस कितना होगा, जीरो डिग्री, केपी बाय आर। ये तुम मेजर कर चुके हो, समझो, ये तुम मेजर कर चुके हो एक्सपेरिमेंटली, मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, तुम इसको इक्वेट कर दो किससे, डिस्टेंस से, केपी बाय आर से, तो वी तुम मेजर कर चुके हो एक्सपेरिमेंटली, डिस्टेंस तुम जानते हो, तो पी निकल जाएगा, दिस इज डायपोल। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं जानते हो। जब CCL, जब CCL3 या CCL4 क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCL4 होता है, H2O ले लो, तो पता है H2O में H और O के बीच का डिस्टेंस किसने नापा था, कोई स्केल से नापने गया नहीं था, डायपोल से आया था। ये है O, यह एच, यहां माइनस, यहां प्लस, इनफैक्ट यहां प्लस क्यू और यहां कितना, माइनस टू क्यू। इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एक फील्ड ऑन कर दो, ये सारे मॉलिक्यूल अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, इससे इसका बॉन्ड लेंथ निकलता है। टाइम तो ज्यादा है नहीं कि मैं उस पर लेक्चर दूं, लेकिन यह समझ लो, किसी सिस्टम के, किसी मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में डायपोल बहुत हेल्प करता है।
तो डायपोल इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज दैट इज एज ए होल न्यूट्रल बट हुज पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस एज वेल एज पोजिशन इज ए डायपोल. समझना, डायपोल इतना आसान नहीं है. हम रिवर्स बता रहे हैं तुमको, माइनस क्यू प्लस क्यू. हम क्यों बनाएंगे डायपोल? डायपोल बना क्या करेंगे डायपोल? सो साइंस में जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. खैर चलो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं. देखो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर तुम सर्कुलर मोशन कहीं पढ़ोगे, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे जिस दिन भी तुमको, उस दिन हम पहले बताएंगे, सबको आना होगा. हम पोलर कोऑर्डिनेट को दो बार डिफरेंशिएट करने पे कोरियोलिस फोर्स आता है. कोरियोलिस फोर्स जो 2 साल पहले मतलब आईटी ने पूछ दिया था. तो कहने का मतलब है कि जब हम सर्कुलर मोशन से ही फिजिक्स स्टार्ट होता है. अभी तो मजाक चल, अभी तो फालतू का टॉपिक चल रहा है, न्यूटन लॉज और काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन. तो वो जब होगा हम तुमको बताएंगे, उसमें देखना सर्कुलर मोशन बिना पोलर कोऑर्डिनेट के मतलब अधूरा होता है, बिल्कुल अधूरा होता है. देखो हम यहां पे क्या करें, इसको सेंटर मान के, हम इसको सेंटर मान के एक हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं. देखो हमने तुमको बताया था कि ई का एक्स कंपोनेंट होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ई का वाई कंपोनेंट होता है माइनस डेल वी बाय डेल वाई. ये था ना एक्स कंपोनेंट और वाई. तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है, यहां दो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, एक को बोलते हैं रेडियल, एक को बोलते हैं टेंजेंशियल. देखो ये वो डायरेक्शन है जिसमें डिस्टेंस सेम है, सॉरी एंगल सेम है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं डी आर. इसको मान लो हम बोलते हैं डी आर. इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस सेम है, सॉरी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एंगल सेम है. दूसरा है टेंजेंशियल, छोटा सा टुकड़ा ले लो, बहुत छोटा, जितना छोटा ले सकते हो. इसमें क्या बताओ, डिस्टेंस सेम है, एंगल बदल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डीएल. मान लो ये डिस्टेंस है सब डी और डी जेड, मान लो डी आर है रेडियल डायरेक्शन में और डी जेड है टेंजेंशियल डायरेक्शन में. अगर हम यहां पोटेंशियल जानते हैं तो जिस तरह से हम लिखते थे ई एक्स इज इक्वल टू E का x कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल x, E का y कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल y, हम लिख सकते हैं E का रेडियल कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल r और E का टेंजेंशियल कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल z. तो ये दोनों भी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है. E का रेडियल कंपोनेंट डेल वी बाय डेल r, डेल r और E का टेंजेंशियल कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल z. z इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ये तो हो गया. अब बताओ डेल जेड को क्या लिखेंगे, अगर थीटा को, अगर हम आर को कांस्टेंट रख रहे हैं, समझो डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एंगल को चेंज कर रहे हैं किस अमाउंट से, डी थीटा से, तो डी जेड को क्या लिख सकते हैं बताओ, आर के लिए तो क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा. क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डेल वी बाय आर इंटू डेल थीटा. समझ रहे हो, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन. एक ही को रखेंगे हम, ठीक है, r टाइम्स ऑफ डेल थीटा. सही है जी, यहां किसी को डाउट है बताओ. जिधर फील्ड चाहिए उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो और उसके साथ डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए. तो जब हमको रेडियल कंपोनेंट निकालना है फील्ड का, हम सिर्फ रेडियस को चेंज करेंगे इस डायरेक्शन में, और जब इस डायरेक्शन में करना है टेंजेंशियल में, सिर्फ टेंजेंशियल को चेंज करेंगे. अब बताओ मेरा फील्ड था कितना, मेरा फील्ड था एक्चुअली में v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. देखो ये जो बता रहे हैं ये एडिशनल है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. सो दैट इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग, दैट इज नॉट एसेंशियल. हम फिजिक्स में जितनी चीजें पढ़ते हैं ना, 50% चीज ना भी पढ़ें तो सिलेक्शन गारंटेड है. 50% चीजें ओवरलैपिंग होती हैं,
दो मेथड होते हैं। अब यहां देखो, ई का रेडियल कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाय डेल आर। यहां दो वेरिएबल है समझो, थीटा और आर। यहां दो वेरिएबल है, कौन कौन सा? थीटा और आर। हम यहां डेल वी बाय डेल आर करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेल वी बाय डेल आर। के को बाहर निकालो, पी कॉस थीटा बाहर निकालो और डिफरेंशिएट कर दो सिर्फ आर वन बाय आर स्क्वायर को, हो जाएगा माइनस टू बाय आर क्यूब। यह टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, यही निकला था पिछली बार भी, टू के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। ई का टेंजेंशियल कंपोनेंट देखो, ई का ये तो हो गया था तुम्हारा ई का रेडियल कंपोनेंट, अब ले रहे हैं ई का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ई का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। डेल जेड का मतलब है आर टाइम्स ऑफ डेल डेल थीटा। आर के लेंथ होता है रेडियस इंटू एंगल। ये हो जाएगा देखो माइनस वन बाय आर बाहर निकाल दो, तुमको डिफरेंशिएट सिर्फ करना किसके साथ, थीटा के साथ, ट्रीटिंग आर एज कॉन्स्टेंट। यू हैव टू डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा माइनस वन बाय आर, ये हो जाएगा माइनस, इसको लिखो माइनस वन बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा, माइनस वन बाय आर एंड डेल वी बाय डेल थीटा। तो क्या करोगे, के पी बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आउट ऑफ आर एंड थीटा यू हैव टू ट्रीट ओनली थीटा एज वेरिएबल, यू हैव टू टेक आर एज कॉन्स्टेंट। तो के पी बाय आर स्क्वायर बाहर, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो कितना आया बताओ, के पी बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा, यही आया था जब हम इन दोनों का अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किए थे। यही आया था जब हम इन दोनों का अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किए थे, याद है? Yes, sir. अब समझो, मैंने एक डायग्राम भी वहां पे दिया हुआ है तुम्हारे, उसमें मैंने इस पूरे सर्किल को एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है। ये जो ई टेंजेंशियल होता है ना, वो इंक्रीजिंग थीटा में होता है, समझो, इसको बोलते हैं थीटा कैप। ये इंक्रीजिंग थीटा, इंक्रीजिंग थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में, ये इंक्रीजिंग थीटा में और ये इंक्रीजिंग डिस्टेंस में। तो यहां पे ई थीटा का डायरेक्शन ये होगा, समझो, यहां पे ई टी इधर होगा, ई आर इधर होगा, यहां पे ई टी इधर होगा, फिर हमको थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ई आर इधर होगा, ई आर को हमेशा बढ़ाना है। यहां पे देखो, तो तुम चेक कर सकते हो, उसमें मैंने एक डायग्राम दिया और इक्वेशन दिया है, तुम एक बार उसको देखना, जिसमें एक फील्ड लाइन का डायग्राम बना हुआ है और उसमें मैंने थीटा जीरो, थीटा वन एट्टी और थीटा नाइनटी। थीटा कैप का मतलब है, थीटा कैप का मतलब है इस डायरेक्शन में ई टी कैप, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा है थीटा कैप, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा है थीटा कैप। हमने मैंने जो तुमको डायग्राम दिया उसमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखा है थीटा कैप और इस डायरेक्शन में लिखा है आर कैप। सो यहां कितना है थीटा कैप, ये कितना है आर कैप, ये कितना है थीटा कैप और ये कितना है आर कैप। तो ये जो कुछ वो जो डायग्राम है वो सिर्फ एक बुक में दिया हुआ है, एडवर्ड पुर्सेल एंड मोरिन, वो डायग्राम सिर्फ एक ही बुक में दिया हुआ, उसका नाम है एडवर्ड पुर्सेल एंड मोरिन, ठीक है, और ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ वो डायग्राम। तो मैंने अपने नोट्स में वो डाल दिया था, मैंने तो पहले बता दिया, मैं पूरे सब जगह से कलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी, कहीं से कुछ छूट ना जाए। तो ठीक है, एक बार मैं इस पर एक डायपोल पे एक प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास भी लूँगा, और उसके बाद बता दूंगा कब लूँगा, तुम बस थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझ लो। एस सी वर्मा के लास्ट क्वेश्चन जो हैं, लास्ट के चार पांच क्वेश्चन वो पूरा बना जाना है डायपोल के, वर्कड आउट में भी लास्ट में क्वेश्चन हैं, वर्कड आउट के भी लास्ट में क्वेश्चन हैं, उसको भी पूरा बना जाना है। उसके बाद आपको ये करना है कि जो सी सी टी है उसमें मैंने क्वेश्चन क्लासीफाई किए हुए थे डायपोल के क्वेश्चन हैं कि नहीं, उसको बना जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी तुमको ये कर लो और क्या बोलते हैं गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, कल मेरी क्लास है क्या तुम लोग सर? यस सर,
नहीं कल नहीं, ठीक कल तुम्हारे पास टाइम है, डायपोल को रिवाइज कर लो, ये सब देख लो और गॉस लॉ जिस जो भी बुक तुम्हारे पास है उससे थोड़ा मोड़ा गॉस लॉ देख लेना। हालांकि उस देखने से कोई फायदा नहीं होगा, बस इतना फायदा होगा कि गॉस का स्पेलिंग पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। गॉस लॉ में मैं 32 एप्लीकेशंस कराता रहा था, बट मैं शायद उतना ना कराऊं, बट तुमको कैच करना होगा आफ्टर 5 और 6 और 10 एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन के बाद तुम्हारा दिमाग खुद काम करना चाहिए कि एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। गॉस लॉ एप्लीकेशन, गॉस लॉ तुमको बहुत यूज देगा ग्रेविटेशन में भी, बिकॉज किसी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के उसमें गॉस लॉ काम करता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए तो इतना ही होगा, इसको देखना, कोई क्वेश्चन नहीं बने कहीं कोई क्वेश्चन मिले जो डायपोल तक में से जो नहीं बन रहा हो तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ठीक है चलो इतना ही, और किसी कुछ पूछना तो नहीं है। चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। बाय सर, बाय, थैंक यू।